फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो साओमी का MI TV है, 32 इंच का TV है। इसमें कैसे रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट वो दिखाऊंगा, और किस किस तरीक़ा से ये फैक्ट्री रीसेट किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका होम स्क्रीन है, ठीक है, और इसका रिमोट देखिए, इसका गूगल असिस्टेंट वाला रिमोट है, ठीक है। तो इसको दो तरीक़ा से रीसेट किया जाता है। अब ये बिल्कुल मोबाइल की तरह है, मोबाइल का जो सेटिंग्स है सेम सेटिंग्स है। यह बार देखिए, ऊपर में जो सेटिंग्स का बटन है, ऑप्शन है, इसमें जाइए, और यह पर एक ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग, और फिर नीचे आइए, यहीं पर देखिए स्टोरेज एंड रीसेट, ठीक है। यहीं पर भी आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यहीं पर जाके, ठीक है। और एक तरीका है इसको रीसेट करने का, जैसे कि मोबाइल में हार्ड रीसेट करते हैं इसी तरह, तो वो भी देखेंगे। तो इसको देखिए एक बार, का जो वार्निंग है वो लिखा है, फैक्ट्री डाटा रिसेट, दिस विल इरेज ऑल डाटा फ्रॉम योर डिवाइसेस, इंटरनल स्टोरेज इंक्लूडिंग योर गूगल अकाउंट, सिस्टम ऐप एंड ऐप डाटा एंड सेटिंग्स एंड डाउनलोडेड ऐप्स। आपका जो डाउनलोडेड ऐप्स है, ऐप्स का जो डाटा है, गूगल अकाउंट है, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे इस रिसेट करने के बाद, ठीक है। तो हार्ड रीसेट करने पर भी सेम ही होता है। तो चलिए एक बार हार्ड रीसेट करके देखते हैं इसको कैसे हार्ड रीसेट करना है। हम फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं करेंगे, हम हार्ड रीसेट करेंगे, क्योंकि जब सेट में कोई प्रॉब्लम आता है तो हार्ड रीसेट करने पर ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कैंसिल करेंगे और बैक करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका जो रिमोट को एक बार देख लीजिए, इसका जो रिसेट करने का तरीका है, ये ओके बटन है और ये बैक बटन है, ठीक है। इस दो बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है और सेट को ऑन करना है, ठीक है आपको। तो पहले सेट को ऑफ करते हैं, यहीं पर सेट को ऑफ किया, और इस दो बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है आपको, देन आपको सेट को स्विच ऑन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको वही करते हैं, इस दो बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है आपको। देखिए MI का लोगो आ गया, और आपको छोड़ देना है, ठीक है। देखिए इसका जो रिकवरी ऑप्शन है वो खुल गया है, और आप रिमोट से आप ऑप्शन में जा सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं करना है, सेट को ऑन करना है, तो आपको रिबूट सिस्टम नाउ करके इसको एग्जिट कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, तो यहीं पर देखिए वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसमें जाके ओके करना है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करना है। तो आप यही ऑप्शन पे जाइए, ठीक है, इस ऑप्शन में जाइए और रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। देखिए ओके प्रेस करने के बाद आपको बोल रहा है, वाइप ऑल यूजर डाटा, दिस कैन नॉट बी अनडन, माने तो इसको यस कर दीजिए, ठीक है।
आपका काम हो गया, आपको इस सिस्टम को रिबूट करना है, ठीक है। यहीं पर जाके आपको ऑन कर ओके कर देना है। देखिए सिस्टम रिबूट हो रहा है और पूरा सेटअप होने के कुछ टाइम लगेगा। पहले जो फैक्ट्री से निकल के जो सेटिंग्स है वहीं पर चला जाएगा टीवी आपका, और फिर से आपको सेटअप कर लेना है जो गूगल अकाउंट है और जो आपका डाउनलोडेड ऐप है उस ऐप्स को आबार फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। लेकिन कुछ कुछ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, जैसे कि आपको जो कभी कभी ऐसा होता है जो वाईफाई का कनेक्शन है ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ब्लूटूथ से ठीक ठाक पेयर नहीं हो रहा है, ऐसा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रेस MI एंड होम की, तो इसका जो देखिए MI है और यहीं पर होम की है, ठीक है। इस दो बटन को यहीं पर मेंशन कर रहा है, तो इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है। जब बीप आवाज आएगा उसको छोड़ देना है आपको, और बाद बाकी का जो सेटिंग्स है देखिए यहीं पर इंडिया सेलेक्ट करना है आपको अगर आप इंडिया से हो तो, और इसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए आपका हिसाब से, इसको स्किप कर दीजिए। अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में सेटिंग कर लेंगे। और जो गूगल का लाइसेंस है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लोकेशन यस कर दीजिए, नॉट नाउ वहीं पर। और आपका जो टीवी है उस टीवी का एक नाम दीजिए, नाम दे दीजिए, चलिए एंड्रॉयड टीवी दे देता हूँ, और इसको एग्री कर देंगे, नो थैंक्स। और यहीं पर नॉट नाउ कर दीजिए, डन कर दीजिए। आपका जो पूरा सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहीं पर आपका एप्स है, ये हो गया आपका होम स्क्रीन, ठीक है। पहले आप इसका जो वाईफाई कनेक्शन है नेट कनेक्शन वो नेट कनेक्ट कीजिए, और आपका जो यहीं पर सारे के सारे प्रोग्राम लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह इसका हार्ड रीसेट करते हैं। तो चलिए एक बार इसका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर स्टोरेज एंड रीसेट, इस ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए। यहीं पर जाइए और फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दीजिए, और एक बार रिज एवरीथिंग कर दीजिए फैक्ट्री डाटा रीसेट।
इसमें काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेंड्स, जो पूरा सेटअप है ऑटोमेटिकली सेटअप होगा। आप इस प्रोसेस को करते समय इसको ध्यान में रखिए, जो इसका जो पावर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर कट होगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है फ्रेंड्स। वही ये सेटिंग्स आपको दोबारा करना है, पहले जो सेटिंग्स किए थे अपने। आपका जो पूरा सेटअप है फिर से हो गया, और एक बार इसका जो नेट कनेक्शन है, पहले इसको होम में जाइए और फिर ऊपर में जो उसमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे दोस्तों। वाईफाई को देखिए, इसका जो हमारा वाईफाई है इसमें पासवर्ड को दे दीजिए इसका, तो इसमें एंटर कर दीजिए। और इसमें जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, देखिए इसका, देखिए एक एक करके सेट हो रहा है। एम एक्स प्लेयर जो आपका देखिए सारे के सारे जो YouTube है खुल गए हैं। और एक लास्ट में काम है, आपको प्ले स्टोर में जाइए, और इसमें आपको कोई ऐप्स डाउनलोड करने के लिए पहले आपको अकाउंट को सेटअप करना है। इस अकाउंट को सेटअप कर लीजिए, और आपको देखिए इसको ईमेल मांग रहा है, तो हम इसमें इसको बाद में सेटअप कर लेंगे। तो यही था इसका जो आज का जो वीडियो, तो वीडियो का टॉपिक। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और